أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर वायर सितारे में खुश आमीद और यह में भी ये दोनों हमारे चैनल्स हैं पाइसिस की दुनिया खास तौर पे सिर्फ पाइसिस के लिए है और वायर सितारे ओवरऑल तमाम स्टार्स के लिए है। दोस्तों आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अगस्त 2021 पुरजहद का जायचा। अगस्त का महीना कैसा रहेगा वीडियो का बाकायदे आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त दोहराते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे जनरल ओवरव्यू की। आपकी फैमिली के अंदर माइंड थोड़ा सा हैंड डाउन का सामना पड़ सकता है, फैमिली के अंदर बहन भाई में या माँ बाप से या घर के दीगर रिश्तेदारों से वहाँ पे ये इश्यूज़ हो सकते हैं, मगर मियाँ बीवी के जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही खुशगवार रहने की उम्मीद है इंशाल्लाह। घरेलू इखराजात में आपके जो है उसके अंदर इजाफा होगा, मगर फिक्र की बात यूँ नहीं है कि आपकी आमदनी में भी उसी तरह से इजाफा हो जाएगा और यानी कि आप अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे कर सकेंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के, यानी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, तो वो सिचुएशन नहीं होगी इंशाल्लाह। आपकी मेहनत को सीनियर्स की जानिब से सराहा जाएगा जहां आप काम करते हैं वहां पे, और अगर जो घर के अंदर काम करते हैं वहां पे सीनियर्स की जानिब से आपको सराहा जाएगा, यानी कि काम की जगह पर भी और घर पर भी। तो ओवरऑल वन बाय वन दी गई कि सबसे पहले मोहब्बत और रिलेशनशिप की बात करते हैं, मोहब्बत और ताल्लुकात की बात करते हैं, तो वो अफराद जो गैर शादीशुदा हैं यानी कि अनमैरिड हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते बहुत जल्द उनको मिलने वाले हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें लेंगे या नहीं लेंगे, तो अगस्त के अंदर भी कुछ शादीशुदा जिंदगी नहायत खुशगवार लम्हात से गुजरेगी और बहुत खुशगवार वक्त गुजारने को मिल सकता है। आउटिंग पे जा सकते हैं, घूमना फिरना होगा, खुशगवार टाइम होगा, बहुत ही कीमती टाइम है, बहुत ही हस्बैंड एंड वाइफ को गुजारने का मौका मिलेगा अगस्त के महीने में इंशाल्लाह। फाइनेंस की बात करें, मालियात की बात करें, पैसे की बात करें, तो माली लिहाज से ये एक खुशकिस्मत महीना होगा। आपको अंदाज़ा नहीं है अभी इस बात का, लेकिन जब ये महीना आएगा तो फिर आप खुद ये कहेंगे ये वाकई खुशकिस्मत महीना है। आप रिस्की मामलात में पैसा लगाना चाहेंगे, यानी कि ऐसे मामला जहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या दीगर और चीज़ें जिसमें आप जानते हैं कि इसमें रिस्क है, पता नहीं ये पैसा मुझे रिटर्न मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा, लेकिन बेफिक्र रहिए कि ये पैसा अगर आप अभी लगाएंगे तो आपके आने वाले टाइम में स्पेशली 2023 में ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। अगर नहीं किए तो आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए अगस्त के महीने में, आपको ये पैसा 2023-22 के अंदर बहुत फ़ायदा देने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा एक बात में एहतियात कीजिए कि उधार का लेन देन ना करें, ना उधार दें ना उधार लें। अगर उधार आपने ले लिया तो उसका चुकाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपने उधार दे दिया तो आपके पास वो रिटर्न बहुत मुश्किल से आएगा, इसलिए उधार के लेन देन से परहेज करें। कैरियर की बात करते हैं, काम की जगह पर आपके सीनियर जो होंगे, जिस तरह मैंने ओवरऑल शुरू में जिक्र किया कि सीनियर्स की जानिब से आपको सराहा जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, आपको नई मुलाजमती जिम्मेदारियां दी जाएंगी, फिर वो आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको मज़ीद मोटिवेट किया जाएगा, आपको इनक्रेज किया जाएगा, तो यानी आपके बॉस आपके सीनियर्स जो हैं वो आपकी जानिब से खुश होंगे और आप उनको अच्छा रिटर्न देंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है करियर में, जरूरत है कि इंसान की जो आपकी जो हिस्ट्री रही है आप पढ़ रहा है वो अच्छा हो, आपका बॉस आपसे खुश हो, आपके सीनियर्स आपसे खुश हों, तो आगे प्रमोशन की राहें हमवार हो जाती हैं। सेहत की बात करते हैं तो कोई मेजर प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है, अलबत्ता ज़हनी सुकून के लिए फैमिली के साथ वक्त गुजारें। अपनी फैमिली के साथ जितना आप वक्त गुजारेंगे आपका जहन, आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो सुकून आपको मिलेगा आपकी फैमिली के साथ अगर आप वक्त गुजारेंगे, अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारें, आपका तमाम ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जायचा, आपकी जायचे में दी गई टिप्स को जो है वो आप ज़रूर फॉलो करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग स्टोन का पूछते हैं, तो पाइसिस के लिए सबसे बेहतरीन स्टोन है येलो सेफायर, और अगर येलो सेफायर आप एक्सपेंसिव की वजह से नहीं ले पा रहे हैं तो आप ले लीजिए यमनी अकीक, ठीक है, यमनी अकीक आप लेने, अकीक को इंग्लिश में अगेट कहते हैं, और येलो सेफायर ले लीजिए अगर आपको येलो सेफायर एक्सपेंसिव, लेकिन क्योंकि एक्सपेंसिव पत्थर है, येलो सेफायर तो पाइसिस के लिए सबसे बेहतरीन है, चाहे वो
پائسس کے مالی معاملات ہوں یا پائسس کے دیگر معاملات ہوں، یلو سیفائر بہت اچھا وہاں پہ کار آمد رہتا ہے، لیکن یلو سیفائر ہے بہت ایکسپینسو پتھر، اس کی جگہ آپ یمنی عقیق پہن سکتے ہیں۔ یمنی عقیق اس کا آلٹرنیٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 70% 60% یہ وہی کام کرے گا، تو آپ کے لیے یہ سہولت ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اطمینان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔